So in this video, we are going to do a detailed review of one of the top performing whey proteins, that is isolate whey protein, which is none other than Danger Nutrition's isolate whey protein after using it for 1 month. मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा कि 1 month तक Danger Nutrition की isolate whey protein को यूज करने से मेरे फिजिक में क्या क्या चेंजेस हुए, यानी 1 month के पूरे रिजल्ट, यानी मसल रिकवरी कैसी है, लीन मसल मास पुट ऑन हुआ कि नहीं हुआ, फैट बर्निंग कैसी है और कटिंग फेस कैसा जा रहा है। और इतना ही नहीं, हमने इसका लैब टेस्ट करवाया था जिससे हमको इनकी सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाए कि जो बात पैकिंग पे लिखी है वो सारी बात सच है कि नहीं है, बिकॉज क्वालिटी इज ऑलवेज द किंग। देखो, प्राइस 2 रुपए कम बेसिस से मतलब नहीं है, जो चीज़ खा रहे हो वो क्वालिटी होनी चाहिए और वो आपकी बॉडी पे कोई एडवर्स यानी नेगेटिव इफेक्ट नहीं करनी चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब चेक करना। सो मैं कंपेयर करके आपको बताऊंगा कि जो लैब टेस्ट के अंदर रिपोर्ट में जो बातें आई हैं और जो इनकी पैकिंग में मेंशन है वो कितने परसेंट मैच कर रही है और कितने परसेंट डिसमैच कर रही है। इन द एंड वी विल डूइंग अ बजट एनालिसिस कि अगर आपका बजट लो टू मीडियम चलता है, रुपीज 1000 रुपीज 2000 तक यानी कम पे चलता है, तब क्या आपको डेंजर न्यूट्रिशन इज आइसोलेट वेपर में जाना चाहिए, विल बी वैल्यू फॉर मनी जो इसकी प्राइसिंग दी गई है उस प्राइस रेंज में क्या ये बेस्ट है या फिर नहीं है, इस पर बात करेंगे इन डिटेल। नाउ मैं आपके साथ कुछ मैट्रिक्स शेयर करना चाहूंगा जो कि प्रीमियम क्वालिटी के आइसोलेट वे प्रोटीन के अंदर होनी ही चाहिए। नाउ बहुत सारे लोग बिगिनर्स होते हैं जिनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, वो लोग आसपास जिम के अंदर जो ब्रोज है या फिर यूट्यूब से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो मैं उनके लिए बताना चाहूंगा कि प्रीमियम क्वालिटी का जो आइसोलेट वे प्रोटीन होते हैं उनके अंदर 3 से 4 मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है, तभी वो एक अच्छा क्वालिटी का आइसोलेट वे प्रोटीन कहलाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रीमियम क्वालिटी के अंदर हमें जो वे प्रोटीन के अंदर जो प्रोटीन कॉन्टेंट है पर सर्विंग का वो 25 ग्राम से एबो होना चाहिए, उससे कम होगा तो वो बढ़िया क्वालिटी में नहीं गिना जा सकता है अकॉर्डिंग टू मी। दूसरी बात, उसमें 20 टेबलेट कंटेंट होना चाहिए जो कि 5 ग्राम प्लस होना चाहिए, यानी 5 ग्राम से ज्यादा होना चाहिए। और तीसरी बात आ जाती है इसके अंदर L-glutamine की जो प्रेजेंस है, L-glutamine हमारी बॉडी के अंदर जो डोम्स हो जाते हैं ड्यूरिंग वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट के अंदर डिलेड ऑनसेट मसल सोनेस सिंपल लैंग्वेज बोलते हैं, तो उसको काउंटर करता है। एज हम लोग कटिंग फेज में रहते हैं तो हम लोग की बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट फैट्स की कमी होती है, तो हम लोग को ज्यादा पेन ज्यादा सोनेस हो जाती है, फैक्ट है, खोज लेना। तो उससे क्या होता है, डोम्स काउंटर करने के लिए L-glutamine की बहुत इंपॉर्टेंस है, वो हमारे मसल्स के अंदर जो डोम्स होते हैं उनको काउंटर करता है, जिससे हमें रिकवरी काफी स्मूथ होती है और गेनिंग और मसल को हाइपरट्रॉफी होने में हेल्प मिलती है। तो ये सब इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, ये सब एक अच्छे क्वालिटी के और प्रीमियम मैट्रिक्स में होने चाहिए। अगर आप एक फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लो 3 मिनट फिटनेस चैनल को, क्योंकि मैं प्रोवाइड करता हूँ हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड रियल और क्वालिटी इन्फॉर्मेशन, और बन जाइए हमारी हेल्दी फैमिली के एक हेल्दी मेंबर। इन केस आप डेंजर न्यूट्रिशन के इस आइसोलेट वे प्रोटीन को ट्राई करना चाहते हो तो मैंने इसे खरीदने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसे ऑनलाइन भी ट्राई कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद द पैकिंग। हमने यहाँ पे डेंजर न्यूट्रिशन के इस आइसोलेट वे प्रोटीन का 1 kg का पैक मंगाया था, जिसे हम लोगों ने 1 month तक ट्राई किया एज वेल एज इसका लैब टेस्ट भी करवाया था इसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। ये कम्स दी फर्स्ट मैट्रिक्स ऑफ आर रिव्यू विच इज नंबर ऑफ स्कूप्स पर पैक, यानी कि 1 kg की पैकिंग में हमें कितने स्कूप ऑफ आइसोलेट वे प्रोटीन देखने मिल जाएगा। एक पैकिंग के अंदर 30 स्कूप देखने मिल जाते हैं, दैट इज एवरेज इन द मार्केट। आवर नेक्स्ट मैट्रिक्स इज स्कूप साइज, यानी जो स्कूप प्रोवाइड किया है वो कितने ग्राम का प्रोवाइड किया है। हियर डेंजर वालों ने हमें 36 ग्राम का स्कूप साइज प्रोवाइड किया है, विच इज जस्ट फैबुलस, जहां बाकी ब्रांड्स हमें 30 से 33 ग्राम के अंदर निपटा रहे थे, वहां यहां 3 ग्राम ज्यादा मिल रहा है। हमारी अगली मैट्रिक्स आ जाती है स्कूप पर सर्विंग, यानी एक बार का आइसोलेट वे प्रोटीन शेक बनाने में हमें कितने स्कूप ऑफ वे प्रोटीन यूज करना है। हियर डेंजर वालों ने सिंगल स्कूप की सर्विंग प्रोवाइड किया है, विच इज एवरेज इन द मार्केट। आवर नेक्स्ट मैट्रिक्स इज सर्विंग इन ग्राम, यानी एक बार के आइसोलेट वे प्रोटीन शेक के अंदर एक्चुअली हम कितने ग्राम ऑफ आइसोलेट वे प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि वही हमारे बॉडी पे काम करने वाला है। हियर इनकी पैकिंग में मेंशन है दे आर प्रोवाइडिंग 36 ग्राम, जो काफी ज्यादा बढ़िया बात है। हियर कम्स दी प्राइम मैट्रिक्स ऑफ दिस रिव्यू, जिसके लिए पूरा पूरा रिव्यू है, विच इज प्रोटीन। नाउ देखो, आइसोलेट वे प्रोटीन के अंदर प्रोटीन की कॉन्टेंट एंड क्वालिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो जब भी आप आइसोलेट वे प्रोटीन लो तो उसके अंदर ऑप्टिमम लेवल्स ऑफ प्रोटीन है कि नहीं वो देख लेना पर सर्विंग के अंदर, नॉट 100 ग्राम पे। सो हियर डेंजर वालों की पैकिंग में मेंशन है दे आर प्रोवाइडिंग 27 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर सर्विंग, और ये चीज हमें लैब टेस्ट के अंदर थोड़ी सी कम हो गई, 26 ग्राम, तो 1 ग्राम ऊपर ही चलता है टेस्टिंग। आवर नेक्स्ट मैट्रिक्स इज BCAA, यानी ब्रांच चेन अमीनो एसिड, से काफी इंपॉर्टेंट होता है आइसोलेट वे प्रोटीन के अंदर, एज ड्यूरिंग वर्कआउट जो हमारे मसल्स के अंदर डैमेज होती है एज वेल एज जो ATP प्रोडक्शन है उसके अंदर BCAA हेल्प करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये रिकवरी में भी हेल्प करता है। हियर इनकी पैकिंग में मेंशन है दे आर प्रोवाइडिंग 5.97 ग्राम्स ऑफ BCAA, और ये चीज़ में लैब टेस्ट के अंदर 6 ग्राम्स आई है, तो काफी बढ़िया बात लगी। हमारी अगली मैट्रिक्स आ जाती है एसेंशियल एमिनो एसिड्स, नाउ इनके अंदर BCAA तो होते ही है और भी काफी एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं जो हमारी ओवरऑल बॉडी के अंदर फैटीग और ATP प्रोडक्शन को मेंटेन करते हैं, तो वर्कआउट के अंदर हेल्प मिलती है अगर प्री वर्कआउट में लो तो, और पोस्ट में लोगे तो ये आपके रिकवरी को हेल्प करेंगे। हियर इनके पैकिंग में मेंशन है दे आर प्रोवाइडिंग 12.19 ग्राम्स ऑफ एसेंशियल एमिनो एसिड्स, जो कि हमारे लैब टेस्ट में 100% ट्रू पाए गए हैं। Now here comes the cherry on the top matrix, which is L-glutamine. Now,
हर एक आइसोलेटेड वे प्रोटीन के अंदर एल ग्लूटामाइन होना बहुत जरूरी है। एज आइसोलेटेड वे प्रोटीन के अंदर कार्ब्स और फैट कम देखने मिलते हैं, जिससे हम कटिंग कर पाए तो हमारे मसल्स के अंदर जो डोम्स हो जाते हैं उनको हील करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो हमें एल ग्लूटामाइन ला के देता है, उनको हील करता है, डोम्स को काउंटर करता है। सो हियर इनकी पैकिंग में मेंशन है दे आर प्रोवाइडिंग 4.5 ग्राम्स ऑफ एल ग्लूटामाइन, जो काफी ज्यादा बढ़िया बात है। और ये चीज में लैब टेस्ट में 4 ग्राम्स पाई गई है, तो चलता ऊपर नीचे थोड़ा सा, तो ये माइनस पॉइंट लगी थोड़ी सी। आवर नेक्स्ट मैट्रिक्स इज GMO फ्री। कहीं ये जो वे प्रोटीन है ये कहीं जेनेटिकली मॉडिफाइड तो नहीं है ना, जिससे कि हम इसे खा के एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएंगे तो फायदा क्या होगा। ये इनके पैकिंग में तो सबसे लिखा हुआ है दैट दे आर नॉन GMO एंड सेफ टू कंज्यूम, और ये चीज में लैब टेस्ट में 100% ट्रू पाई गई है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। हमारी अगली मैट्रिक्स आ जाती है ग्लूटेन फ्री। नाउ आइसोलेट हो या फिर कॉन्सेंट्रेट हो, दोनों ही वे प्रोटीन्स के अंदर ग्लूटेन की एडिंग काफी ज्यादा कॉमन है अपने कॉस्ट को कम करने के लिए, सो चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हियर इनकी पैकिंग तो साफ साफ लिखा हुआ है दैट दे आर ग्लूटेन फ्री, और ये चीज हमें लैब टेस्ट में भी 100% ट्रू पाई गई है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ये कम सी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स फॉर योर हेल्थ विच बैंड सेल्स फ्री। कहीं इस आइसोलेट वे प्रोटीन के अंदर कोई डोप या फिर परफॉर्मेंस एनहेंसर तो नहीं मिला है ना, जो इसकी परफॉर्मेंस को एनहेंस करता है बट हमारी परफॉर्मेंस को खराब करता है। की पैकिंग में साफ साफ लिखा हुआ है दैट दे आर बैंड सेल्स फ्री एंड डोप फ्री, और ये चीज हमारे लैब टेस्ट के अंदर भी 100% ट्रू पाई जाती है, इट इज सेफ टू कंज्यूम। हमारी अगली मैट्रिक्स आ जाती हैवी मेटल्स फ्री। कहीं इस वे प्रोटीन के अंदर लेड और एसिड से टॉक्सिक हैवी मेटल तो नहीं आएंगे ना ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, तो चेक करना जरूरी होता है। हियर इनके पैकिंग में कोई इन्फॉर्मेशन देखने नहीं मिलती, बट थैंक्स टू ऑल लैब टेस्ट रिपोर्ट इट इज सेफ टू कंज्यूम। सो अब हम परफॉर्म करते हैं आपके मेरी हम सभी फेवरेट मैट्रिक्स यानी हमारे कॉस्ट पर स्कूप की कैलकुलेशन, मतलब एक स्कूप ऑफ डेंजर न्यूट्रिशन के इस आइसोलेट वे प्रोटीन खाने में हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे उसकी कैलकुलेशन करते हैं। फॉर दिस कैलकुलेशन हमने फॉर्मूला यूज किया है करंट प्राइस ऑफ द आइसोलेट वे प्रोटीन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्कूप्स पर पैक। आवर फर्स्ट वेरिएबल इज करंट प्राइस विच इज सब्जेक्ट टू चेंज इन फ्यूचर, अभी करंटली इसका प्राइस चल रहा है ₹1946 ओनली। आवर सेकेंड वेरिएबल इज नंबर ऑफ स्कूप्स पर पैक, यानी अभी करंट चली इसके अंदर हमें 30 स्कूप देखने मिल जाते हैं, therefore हमारा कॉस्ट पर स्कूप आ जाने के केस ऑफ डेंजर आइसोलेट वे प्रोटीन ₹65 ओनली। इन केस आपको डेंजर के इस आइसोलेट वे प्रोटीन को ट्राई करना है तो मैंने इसे खरीदने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। सो लेट्स परफॉर्म आवर बजट एनालिसिस, यानी अगर आपका बजट लो टू मीडियम चलता है ₹1000 लेकर ₹2000 तक, या फिर आपका बजट है मीडियम टू हाई एंड ₹2000 प्लस, तब क्या आपको डेंजर न्यूट्रिशन के इस आइसोलेट वे प्रोटीन से जाना चाहिए विल बी वैल्यू फॉर मनी और नॉट। हियर इस वे प्रोटीन का कॉस्ट पर स्कूप आया ₹65 ओनली, व्हिच मेक्स इट अ लो टू मीडियम बजट वे प्रोटीन एंड दैट आल्सो आइसोलेट वाला। सो इन केस आपका बजट काफी टाइट चलता है, आप स्टूडेंट और स्ट्रगल हो रहे हो, देन दिस इज इट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आइसोलेट वे प्रोटीन अंडर ₹2000। बात करो अगर इसकी क्वालिटी की तो इसके अंदर प्रीमियम क्वालिटी प्रोटीन के साथ साथ BCAA एसेंशियल एमिनो एसिड्स एज वेल एज एल ग्लूटामेट जैसे प्रीमियम मैट्रिक्स देखने मिल जाते हैं, जो आपको रिकवरी मसल गेन एज वेल एज डोम्स के अंदर हेल्प करेंगे। तो और क्या चाहिए एक बढ़िया क्वालिटी के आइसोलेट वे प्रोटीन में। अलाउ मी टू शेयर विद यू माय पर्सनल एक्सपीरियंस आफ्टर यूजिंग डेंजर आइसोलेट वे प्रोटीन फॉर 1 मंथ। सो 1 मंथ टेस्ट फैन में इसने मेरी कटिंग फेज के दौरान मुझे लीन मसल मास गेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प किया है, और वो चीज मुझे पता चला है ड्यूरिंग पोजिंग एज मेरे मसल्स के अंदर काफी सारा डेफिनेशन आ गया है, जो कि बॉडी फैट कम होने से होता है एज वेल एज लीन मसल मास के पुट ऑन होने से होता है, जिससे मुझे वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी में काफी ज्यादा एनहेंसमेंट दिख रहा है, और साथ ही साथ इसमें डोम्स में भी काफी ज्यादा रिलीफ है, क्योंकि कटिंग फेज के दौरान डोम्स एंड फैटिक बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए इसके अंदर हमें BCAA एसेंशियल एमिनो एसिड्स एज वेल एज एल-ग्लूटामाइन दिखने मिल जाता है। तो ये प्रीमियम क्वालिटी होने के साथ साथ इन्होंने अपनी ऑथेंटिसिटी का भी एक प्रमाण दिया है हमें। बात करो उसको रेटिंग देने की, देन आई रेट इट 9/10 जस्ट बिकॉज इसके अंदर हमें सारे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स देखने मिल जाते हैं, और एक प्रीमियम क्वालिटी के लिए जो जो चीजें होनी चाहिए वो सारी चीजें इसमें मैट है, तो और क्या चाहिए। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ मेरा पर्सनल फेवरेट आइसोलेट वे प्रोटीन कौन सा है जो मोस्ट ऑफ टाइम यूज करता हूँ। सो मेरा पर्सनल फेवरेट आइसोलेट वे प्रोटीन है मसल ग्लेस का बायोजाइम आइसोलेट वे प्रोटीन, ऐसे मेरे बजट में आ जाता है, ये मेरी बॉडी टाइप को बहुत ज्यादा सूट करता है, और इसके अंदर जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत कंसिस्टेंट मिलते हैं, क्योंकि लीन के अंदर हमें कंसिस्टेंट रिजल्ट चाहिए, ये नहीं कि एक दिन ज्यादा एक दिन कम। सो इन केस आप डेंजर के इस आइसोलेट वे प्रोटीन को ट्राई करना चाहते हो ना, तो मैंने इसे खरीदने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। ये थी आज की हमारी वीडियो, आपके स्किन के ऊपर बेस्ट आइसोलेट वे प्रोटीन्स की प्लेलिस्ट चली होगी, वो आप देख लेना जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड तो कमेंट करना मत भूलना, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। जय हिंद, वंदे मातरम।